date bina break. Download Tak app. राजस्थान के सरहदी जिलों में टिड्डियों के प्रकोप से किसानों की लगभग सारी फसल चौपट हो गई। गहलोत सरकार की ओर से किसानों के नुकसान की गिरदावरी करवाकर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो मुआवजा सरकार दे रही है वो किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नागौर जिले के सांसद हनुमान बोइनीवाल ने गहलोत सरकार पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के उनकी फसलों के नुकसान के एवज में कम से कम 25,000 रुपए प्रति बीघे का मुआवजा तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। जीरा और इस सब गोल कम से कम 50,000 रुपए 60,000 रुपए बीघा का पैदा होता और आप उसको 2,000 दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ 25,000 रुपए कम से कम बीघा का मुआवजा। सरकार से ये मांग है कि किसानों की एक तो तमाम अभी सारी बिजली 6 महीने की माफ कर दे, जहाँ जहाँ टिड्डी आई है 6 महीने की बिजली के बिल माफ करे और तुरंत मुआवजे की पहली किस्त किसानों के खाते के अंदर आ जाए। सरकार की ओर से किए गए मुआवजे के ऐलान से बाड़मेर जिले के किसान भी काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि अपनी सारी पूंजी खेती में लगाने के बाद अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा और अब सरकार भी इनकी मदद को हाथ आगे नहीं बढ़ा रही। मेर का क्षेत्र पूर्ण तरह से टीडी प्रभावित क्षेत्र है, सरकार इसको नियंत्रण करने में पूर्ण तरह से विफल रही है। सरकार द्वारा अभी एक गिरदावरी और मुआवजे की घोषणा की गई, मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा 1 हेक्टर पे 13,500 रुपए ही देने का क्या, और ये अधिकतम 2 हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं। इससे एकदम किसान को बिल्कुल पूर्ण तरह से कुछ भी लाभ नहीं होगा। हाल है जीरा इसबगोल वगैरह सारी फसलें नष्ट हो चुकी है और खेतों में कुछ रखा नहीं, किसानों का रो रो के बुरा हाल है और उनको साहूकारों से कर्ज लेके और उन्होंने खेती बाड़ी की थी लेकिन आज वर्तमान में उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर पकड़ के रो रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं। सरकार से मांगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाया जाए और इस जो वर्तमान सरकार ने अभी जो घोषणा की है 13,000 रुपये, इससे उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर अंशदीप के मुताबिक जिले में 3 अलग अलग श्रेणियों में मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक 27 करोड़ की गिरदावरी हो चुकी है जिसमें से प्रशासन को सरकार की ओर से 9 करोड़ 80 लाख के मुआवजे की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही मुआवजे की पहली किश्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। वो डबल क्रॉप एरिया के तहत आता है तो वहाँ पे मेजोरिटी लोगों को 13,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने का प्रावधान रहेगा। हमारे यहाँ पे जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया ये होती है, गिरदावरी करने के बाद इसका एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल के अंदर एक एक किसान की उसके अकाउंट के खाते के साथ एंट्री करनी होती है। हमारा टोटल जो बिल पहली गिरदावरी के तहत बना था 27 करोड़ का, उसमें से हमने जितनी एंट्री की है उसके हिसाब से लगभग 9 करोड़ 80 लाख उसका तो बजट भी अप्रूव होकर हमारे पास आ चुका है, जो हम हाथों हाथ उसका बिल बनाकर तैयार करवा के देने की स्थिति में है। गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने की बात कह रहे हैं। कुछ किसानों के खातों में मुआवजे की पहली किश्त भी आ गई लेकिन वो नाकाफी है। हरीश चौधरी ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, वो वहाँ जाकर अपनी बात को समझाए और SDRF के अंदर परिवर्तन कर और ज्यादा से ज्यादा किसान को राहत पहुँचाए, ये सामूहिक हम लोगों का दायित्व बनता है। CMVC के अंदर जो आज जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने हर जिले के अंदर रिपोर्ट मांगी, ये निर्देश दिए हैं कि जो गिरदावरी हो चुकी है उनके खातों के अंदर तत्कालीन राहत पहुंचाई जाए। पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने बॉर्डर वाले जिलों में इतना कहर बरपाया है जिसकी भरपाई करना अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं। अगर किसानों को सही मायने में राहत पहुंचानी है तो केंद्र सरकार को भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक। टीडी प्रभावित किसानों के लिए जो गहलोत सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है वो नाम मात्र का है, उस मुआवजे से किसानों के बिल ही नहीं भर पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों ने जो ऋण लेकर अपनी फसल बोई थी उस ऋण को कैसे चुकाएंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।